राम राम जी सारे ना पुलिस सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे एमडीयू रिजल्ट के बारे में। तो आपको बता दूं कि भाई आपके जो एमडीयू के रिजल्ट हैं ठीक है वो आपके आने शुरू हो गए थे 3-4 दिन पहले ही ठीक है। उसके बाद 2-3 दिन अभी रिजल्ट आए नहीं थे, तो बच्चों को ये टेंशन हो रही थी कि भाई हमारे मार्च में एग्जाम हुए लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आए, आपके फरवरी में एग्जाम खत्म हो लिया आपके रिजल्ट नहीं है। इवन भाई मेरे भी फरवरी में एग्जाम खत्म हो लिए थे ठीक है, 25 फरवरी लास्ट डेट थी एग्जाम्स की मेरी। उसके बाद ये देख लो फरवरी के बाद पूरा मार्च चला गया और अब अप्रैल भी जाने वाला लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपके जो रिजल्ट है वो आने स्टार्ट हो गए ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपके जो एमएससी के सीबीएसई के जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके रिजल्ट आ चुके हैं, सीबीएसई में रिपीट वैसे कोई भी ठीक है। उसके बाद 2-3 डिप्लोमा है ठीक है, डिप्लोमा इन हारमोनियम और डिप्लोमा इन तबला ठीक है, इनके भी आपके रिजल्ट आ चुके हैं। तो आप वहां पे जाके आपका रिजल्ट चेक कर सकते हो। अब बात करके और आगे ठीक है, तो और जो भी कोर्सेज है भाई, अब मेनली एक एक तो डिफाइन कर नहीं सकता कि भाई बीए थर्ड सेम BSc 5th sem ठीक है। तो आपका पहला सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर और पांचवा सेमेस्टर ठीक है, इन सेमेस्टर्स के आपके चाहे वो रेगुलर हो रीअपीयर हो ठीक है सभी के, और साथ ही साथ आपका डिस्टेंस का सभी के एग्जाम हुए हैं तो सभी के रिजल्ट आने वाले। उसके साथ बीटेक वाले बच्चे कमेंट करेंगे तो बीटेक का रिजल्ट आपका थोड़ा लेट हो सकता है, यानी कि मई के स्टार्टिंग तक आ जाएगा ठीक है। लेकिन आपके रिजल्ट अब नेक्स्ट वीक से यानी कि भाई मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे लगभग सबके आने, क्योंकि रिजल्ट कल भी आए थे, आज अभी तक कोई रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ, शायद 5-6 बजे तक हो जाए ठीक है। कल सैटरडे हो गया तो सैटरडे और संडे की छुट्टी लगा लो, उसके बाद मंडे से आपके रिजल्ट स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।